हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। प्रभा हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सिर्फ फिर सिखाती हूँ एक सिंपल और बहुत अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल। बहुत सिंपल लुक में मैंने ये डमी पर बनाया है दोस्तों, और जो इनकी पिंस वगैरह नज़र आ रही हैं वो इनके बहुत ज़्यादा ब्राउन हेयर हैं इसलिए नज़र आ रही हैं। अदरवाइज़ आप लोग ब्लैक बालों पर बनाएंगे तो बहुत आराम से बन जाएगा और दिखाई भी नहीं देगी पिंस। ये स्टार्टिंग के हेयर स्टाइल्स हैं और आजकल बहुत सिंपल लुक में बहुत हेयर स्टाइल्स चल रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को इस ध्यान से देखिए मैंने ये वाला लुक कैसे अचीव किया है। बहुत सिंपल हेयर स्टाइल है और बनाने की टेक्निक भी एकदम सिंपल है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं इस नए हेयर स्टाइल की ओर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताती हूँ। दोस्तों जब भी किसी का हेयर स्टाइल हम लोग बनाते हैं हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी पार्टिंग में हमें मांग टीका लगाना है, तो या तो आप पहले लुक पीछे से दो पूरा। मैं ज़्यादातर हेयर स्टाइल जो भी बनाती हूँ मेरा अपना है कि मैं हेयर स्टाइल में हमेशा बैक से पूरा बनाती हूँ, उसके बाद आगे से स्टाइलिंग देती हूँ। क्योंकि मैंने इनका टीका लगाया है इसलिए मैंने इनको आगे से पफ देने के बाद फिर हेयर स्टाइलिंग की है, आगे से दिया है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे पहले आगे से बनाएं चाहे पहले पीछे से बनाएं, बशर्ते कि बिल्कुल ठीक आना चाहिए। दोस्तों एक बात और, हमेशा डमी पर हेयर स्टाइल करना ज़्यादा मुश्किल होता है, और अगर हम नेचुरल हेयर पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और हमारे बाल नेचुरल तो नेचुरली होते हैं, जैसे मर्जी उस पर मूव कर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इनको बालों को ऊपर से एकदम से फिक्स किया है। एक बात और, हमेशा जब भी हम मांग टीका लगाते हैं हमारी उस जगह पे हमें हमेशा थोड़ा सा बैक कॉम करना पड़ता है। ये तो डमी है, अगर ओरिजिनल हेयर भी लेंगे तो आपको ज़रूर थोड़ा सा उसको बैक कॉम करना पड़ेगा। मैंने स्टफिंग भी ब्लैक कलर की डाली है इसलिए वो क्लियर नज़र आ रही है, अदरवाइज़ मेरी स्टफिंग बिल्कुल नज़र नहीं आती दोस्तों। अब देखिए मैंने ये साइड पार्टिंग की है क्योंकि मिड की पार्टिंग बहुत कम लोग आजकल यूज़ करते हैं, और बहुत कम लोगों को लगता है कि हमें मिड की पार्टिंग करनी चाहिए, अदरवाइज सब लोग साइड की पार्टिंग ही करते हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल सा लुक है, इजीली बनाकर देखिए, प्रैक्टिस करिए तो बहुत आराम से आ जाएगा। तो मैं आपको ये वाला लुक सिखा रही हूँ कि मैंने इसको कैसे किया है। पीछे के थोड़े से बालों को लेकर के दोबारा से हम लोग बैक में सेट करेंगे, क्योंकि हमेशा स्टफिंग ऊपर की तरफ होती है और नीचे के बाल हमारे मोस्टली रह जाते हैं। तो हमें पहले अपने पफ को क्लियर करना है, देन आगे का जो हेयर स्टाइल है उसको मैं दोबारा से फिनिशिंग करते हुए नॉर्मली पीछे ले रही हूँ। आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया है दोस्तों मैंने, बहुत सिंपल लुक दिया है उनका, क्योंकि आजकल ऐसे क्लाइंट भी बहुत हैं कि नहीं मैम हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एकदम सिंपल और सोबर लुक दीजिए। ये जितनी भी पिंस नज़र आ रही हैं इनके ब्राउन हेयर हैं, डमी हैं इसलिए, अदरवाइज़ हमारे इंडियन कलर पर कभी भी पिंस वगैरह नज़र नहीं आते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा अलग से लुक आता है, हमेशा जब भी हम ओरिजिनल हेयर पर करते हैं तो वो उसकी फिनिशिंग ही अलग होती है। और ये तो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैं बहुत कम स्प्रे और जेल वगैरह का यूज़ कम करती हूँ, बहुत कम लेती हूँ। हाँ दोस्तों, अब मैंने पीछे से दोनों साइड से थोड़े से बालों को लिया है और इनको एक ट्विस्ट बना करके मैंने फोल्ड किया है, जैसे हम गांठ मारते हैं सेम उसी तरीके से, किसी कपड़े में या किसी में रिबन में सेम उस तरीके से मैंने इनको किया है। अब आप देखिए बहुत ध्यान से, एकदम जैसे हमने गांठ मारी हो किसी चीज़ में। ये बहुत अच्छा ट्विस्टिंग हेयर स्टाइल आता है, मैं बाद में पूरी वीडियो भी एक इसी तरह से ट्विस्ट हेयर स्टाइल्स पर बना कर दिखाऊँगी आपको। अब दोनों बालों को हमने एक साइड में ले लिया और एक्स्ट्रा बाल ले लिया जैसे हम फ्रेंच में लेते हैं, और इन बालों को इसी तरीके से मैंने दोबारा से ट्विस्ट लिया है। ये बहुत सिंपल स्टाइल है, हम चाहे तो इसे साइड में भी बना सकते हैं, एक साइड के बाल लेकर के दूसरी साइड में बिल्कुल जा करके जैसे हम फ्रेंच करते हैं इसी तरह से बाल उठाते जाइए और आप करते जाइए। ये मैंने दोनों बालों को एक साइड लिया है और जो नए बाल लिए हैं उसको मैंने नीचे से निकाला है। देखिए दोस्तों अब सेम प्रोसीजर सेम दूसरी साइड से भी, इससे ऊपर थोड़ा सा इफ़ेक्ट अलग आ जाता है। कई बार हमारे पास हेयर एक्सेसरी भी नहीं है लगाने के लिए, या क्लाइंट नहीं लेकर आया या उनके पास नहीं है और इतना एक्सपेंसिव जूड़ा नहीं है, तो हम वेरिएशन दे सकते हैं अपने हेयर स्टाइल से।
आप बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को देखिए, तो आपको देखने के बाद आप एक बार दो बार तीन बार जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली आ जाएगा। हमारी कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं दोस्तों, और जो जो लोग भी मेरे नए चैनल पर हैं, प्रभा हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट वाले चैनल पर हैं, वो मेरा दूसरा चैनल है प्रभा मेकओवर, उस पर हमारी मेकअप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं दोस्तों, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए तो आपको बहुत सारी वीडियो मेरी देखने के लिए मिलेंगी। और जो लोग उस चैनल पर हैं वो लोग मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। आपने जैसे से मेरे पास कमेंट किए कि हमें प्रेसिंग की वीडियो दीजिए, हमें रिबॉन्डिंग की वीडियोज़ दीजिए, जैसे मेरे पास फ़ोन्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो मैं आपके लिए एक एक करके सब लेकर आऊँगी दोस्तों, और मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगी और आप आराम से घर में बैठकर सीख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका ट्विस्ट बनाया और बस अब ये इतना है, क्योंकि हमारे बाल नेक तक इजीली आ गए हैं, तो अब हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना यहीं पर इन बालों को फिक्स करना पड़ेगा। ऊपर कर देते हैं हम लोग अभी इन बालों को, जैसे मैंने हल्का सा टाई किया। अब मैंने सिंपल रोल बनाया है दोस्तों। अगर किसी के बहुत थिन बाल हैं तो आप बैक कॉम कर सकते हैं, क्रिम्पिंग कर सकते हैं, या फिर स्टफिंग का यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे डमी के बाल थोड़े ठीक थे तो मैंने उसी में ये लुक दिया है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल लुक है, एक पूरा रोल बनाया है और थोड़ा सा रोल मैंने लूज़ बनाया है। मैं नॉर्मली भी पार्लर में ये वाला स्टाइल बहुत बनाती हूँ दोस्तों, तो मेरा हाथ बल्कि ओरिजिनल हेयर पर बहुत अच्छे से सेट भी है। आप हमेशा हेयर स्टाइल में जूड़ा पिन का यूज़ ना करें, हमेशा बॉब पिन का यूज़ करें, आपका हेयर स्टाइल कभी भी नहीं खुलेगा। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमारा हेयर खुल गया, हमने इतना स्प्रे किया मैम, तब भी हमारा हेयर स्टाइल में वो लुक नहीं आया, वो इसी वजह से। अब आप देखिए, जो बाल मैंने ट्विस्टिंग में लिए थे उन्हीं में से एक रोल बनाया है मैंने, इसको मैंने कहीं पर भी पिनअप नहीं किया है, और हल्का सा ट्विस्ट बना के बिल्कुल कॉर्नर एरिया पर। अगर हम किसी भी हेयर एक्सेसरी का यूज़ नहीं करते हैं तो भी हमारा ये स्टाइल बहुत नाइस लगता है। मैं थोड़ा सा मैच्योर लोग होते हैं उनके लिए मोस्टली हमेशा ये स्टाइल देती हूँ उनको, और बहुत अच्छे मेरे को रिजल्ट मिलता है इसका, कि बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंपल भी था और बहुत सोबर और बहुत अच्छा सा लुक। मैं अभी आपको ओरिजिनल हेयर्स पर भी दूंगी, क्योंकि दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही हैं, कल से हमारी फिर दोबारा से नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो मैं अपने स्टूडेंटों को सिखाऊंगी, तो उनमें से अगर मेरे पास टाइम होगा तो ज़रूर एक दो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। देखिए बिल्कुल सिंपल लुक है, कुछ ऐसा किया नहीं मैंने इसमें, कुछ नहीं ज़्यादा किया। बाकी मैं तो बहुत हैवी हेयर स्टाइल्स बनाती हूँ, अगर हमारे पार्टी वेयर मेकअप होते हैं, बन वगैरह बनाते हैं, तो बहुत हैवी, इस पर रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत आराम से आप, मैंने बोला ना, आप जूड़ा पिन का यूज़ बिल्कुल ना करें, आप हमेशा बॉब पिन का यूज़ करें, और एक बार नहीं तो दो बार, दो बॉब पिन लगेंगी, तीन लगेंगी, लेकिन बहुत अच्छे से सेटिंग होगी। मैंने आपको बताया डमी पर टिकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी ये डमी भी बहुत सिल्की हेयर्स वाली डमी है। देखिए कितना सिंपल लुक और बहुत अट्रैक्टिव, आप ध्यान से देखिए, आगे से थोड़ा सा स्लिप हो गया दोस्तों, बट आप अगर इसे करेंगे, ठीक से रखेंगे, करेंगे, बनाएंगे, आप ओरिजिनल हेयर पर ट्राई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारी डमी बहुत कॉस्टली भी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली डमी नहीं है, ये आर्टिफिशियल हेयर ही है। अब देखिए मैंने यहाँ हेयर एक्सेसरी का यूज़ किया है, आप यहाँ पर मोती वाले पिंस भी लगा सकते हैं, इनविजिबल पिंस भी लगा सकते हैं, और कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं साइड में, और छोटे छोटे ओरिजिनल फ्लावर भी लगा सकते हैं, जो बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं हमारे हेयर स्टाइल को। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको बहुत अच्छे से जुड़ा समझ आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा मैंने पहले बताया है, प्रभा मेकओवर मेरा दूसरा चैनल है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा वो चैनल भी देखिए, आपको मेकअप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मेरे पास एक क्लाइंट का रेगुलर मैसेज आ रहा है कि मैम मेरे कर्ल्स खुल जाते हैं, अगर वो मेरे इस चैनल पर हैं तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि कर्ल्स हमेशा खुलते हैं, कि आपके कर्ल्स एक्चुअल में सेट ही नहीं होते ठीक से,
तो अगर बहुत ज़्यादा सिल्की किसी के भी हेयर है और वो सेट नहीं हो पा रहे हैं और वो जल्दी खुल जाते हैं, या तो आपके कर्लर में प्रॉब्लम है या फिर आपके हेयर्स बहुत सिल्की हैं, तो अगर हम हल्का सा कोई भी टैल्कम पाउडर, जितने हेयर्स को हमने कर्ली करना है उस हेयर्स पर ड्राई टैल्कम पाउडर डाल करके फिर उसको झाड़ कर फिर कर्ल करेंगे तो हमेशा आपके कर्ल स्टे करेंगे। और या फिर वेव सेटिंग लोशन लगा सकते हैं आप, बहुत अच्छे स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में आजकल स्प्रे भी इतने मार्केट में डुप्लीकेट हैं कि बाल सेट नहीं हो पाते हैं, और उसके लिए मैं स्पेशल आपको एक वीडियो बना कर दूंगी कि आप उनको कैसे रखें। अब देखिए मेरा ये पूरा फिनिश लुक, और आपको अगर मेरा ये पसंद आया हो मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। Get away.